जो यहाँ करबला नहीं करते, करबला नहीं करते। और एक शेर और इस कलाम का पहुंचा हूँ, आप इसके मौके का फायदा उठा के आवाज को यही कर सकते हैं, वो सीधी नहीं बोले फिर वहां तक आवाज नहीं जाएगी। करबला नहीं करते, करबला नहीं करते, जिक्र शान सरवर ने। बहुत ही अलंदर की बहुत शख्सियत रजा मिया साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनके हवाले से ये शेर मेरा है लेकिन हवाला उनका, इसलिए कि ऐसी शख्सियत वो खूब है। करबला नहीं करते जो यहाँ, करबला नहीं करते, शेर जो अदा करे जिक्र शान सरवर ने कर दिया है आईना, कर दिया है आईना, कर दिया है आईना, जिक्र शान सरवर ने कर दिया है आईना, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते, अब मेरा सामना नहीं करते, ऐसे वैसे अब मेरा सामना नहीं करते। इससे मतलब नहीं है, बहुत अच्छा है काम ऐसे वैसे अब सामना नहीं करते। आइए औलादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद है, अपने जैनब के शहजादे में सिर्फ चार पाँच चार शेर पढ़ता हूँ और तुम अपनी जगह दूंगा इंशाल्लाह दरमियान में पहुंचा दूंगा। गुना कर दिया मुझे तो खुशी का बदल पहुंचाता है। सहरा में चश्मा लब है, लबों पर जवाब है, चश्मा लब इनके गुलाम है। एक शेर पहुंचाता हूँ समाज के लिए,
जिनको मैंने सुनाना चाहा वहां पर बहुत बात पहुंची। इसे समझ ले दुनिया अली किसके कौन है, इसे समझ ले दुनिया। जब आप ये लगाते हुए तो थोड़ा ठीक था। अली किसके कौन है, पौधा रहा हूँ जहन थोड़ा सा हट गया। आप साथ हो जाए तो मैं पढ़ लूंगा, बड़ी समाज के बगैर भी पढ़ लूंगा। मेरे साथ ये होता कि आप कलकत्ता से फोन करते अक्सर माइक वाले को, मैं 5,000 रुपए दूंगा जब छठी रात के बाद, तो खराब हो जाना है आपको। इसे समझ ले दुनिया अली किसके तो है, इसे समझ ले दुनिया अली किसके तो मौलानी का एक लकब भूतराम है, मौलानी का एक। और शहजादी कायनात की शान में किसकी मदद है जो उनकी शान बयान कर सके, लेकिन एक शेर कहने की जसारत की है, मुरादा करना। पूछो ना उसका हुस्न रुखे नूरे तुम यजल, पूछो ना उसका हुस्न रुखे नूरे तुम यजल, जिस जात के कदम के निशा पर नकाब है। नारे तकबीर, नारे निशान, जिक्र खातून जन्नत, शहजादा ने खातून जन्नत, हजरत खातून जन्नत, पूछो ना उसका हुस्न, पूछो ना उसका हुस्न रुके नूरे तुम यजल, पूछो ना उसका हुस्न रुके नूरे तुम यजल, जिस जात के कदम के निशा पर नकाब है। जिस जात के कदम के निशा पर नकाब है, जिस जात के कदम के कदम के निशा पर नकाब है।
गुलजारे मोहब्बत को बिखरने नहीं देती, गुलजारे मोहब्बत को बिखरने नहीं देती, गुलजारे दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, सजी भाई दरियाए अकीदत को उतरने नहीं देती, गुलजारे मोहब्बत को बिखरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। मरते हैं इसी गम में हमें मारने वाले, जहरा की दुआएं हमें मरने नहीं देती। आइए हाजरी मोहब्बत और एहतराम के साथ खतीब आजम सुल्तान खिताबत का इस्तकबाल मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मनवा दिल लगा करके करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारे हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान हुजूर मुहद्दिस आजम। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الصفا من يومنا إلى يوم الجزاء أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى بهم تصلي عليه حضرات یہ جو شور و غل ہو رہا ہے جو جہاں کھڑے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور جو لوگ اپنی کسی ضرورت سے جا رہے ہیں اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر جائے اور اگر یوں ہی جا رہے ہیں تو ان سے میری اپیل ہے کہ دوبارہ لوٹ کر یہاں نہ آئے حضرات آج بڑی خوشی ہم محسوس کر رہے ہیں
रहमत द्वारा कॉन्फ्रेंस में मुख्तार द्वारा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है और आज की रात बड़ी मुबारक है। आज की रात उस रात के नाम से है जो किसी खतीब का उन्वान नहीं बल्कि सारी कायनात का उन्वान है। मुख्तारे कायनात में जो चाहो मांग लो, मुख्तारे कायनात में जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात में आलम को आलम की जो तारीफ है जो मुफस्सिरीन ने किराम लिखी है उल्लो मा सेवन का अल्लाह के सिवा जो है वो आलम है। अब लोग रहमत दो आलम मुख्तार दो आलम अब दो आलम सिर आलम चार आलम पंज आलम मेरे ख्याल से मुख्तार आलम कह दिया जाए तो ज्यादा इसलिए कि आलम सिर्फ वो तो नहीं अब आलम कह दिया तो मुतलक अल मुतलको यजरी अला इतला तो मुतलक अपने इतला पर तो मुख्तार आलम कहा जाए। आलम कितने हैं 18,000 है ना। आपने दो ही में मुकय्यद कर दिया वो कौन सा ऐसा आलम है जिस पर हुजूर का इख्तियार नहीं। आलम अजसाम आलम नबातात आलम जमादात आलम नासूर आलम मलकूत आलम मलाइका आलम इंस आलम जिन इंस आलम जिन इंस आलम जिन आलम आलम बरज़ख आलम हश्र जिसको दुनिया कयामत कहती है कह रही है उसका भी सरकार ही का इख्तियार है। आलम और ये इख्तियार अल्लाह ने दिया महबूब हमने तुम्हें मुख्तार बनाया पता भी है क्योंकि आलम खुद बनफ्से नफीस ये जानता है कि मैं अगर इनके दायरे इख्तियार से इनके दायरे इख्तियार से बाहर होना भी चाहूं तो नहीं हो सकता। क्यों आलम को ये अच्छी तरह से मालूम है। मैं आलिम की बात नहीं कर रहा हूं आलम को ये अच्छी तरह है
कि रब ने जो मुझे बनाया है वो इसी जात के वसीले से, इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए मेरा जो खल्क हुआ है वो इसी जात का सदका है। दिलों पर किया है, कानून पर इख्तियार है, और इख्तियार ऐसा कि रसूल जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जो चाहे हराम कर दे, कोई दम मारने वाला नहीं। ऐसे मुख्तार, ऐसे मुख्तार हजरत रबिया से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सन मान। अब इसमें उमूमा मौका अच्छा था, नबी ने कहा मान, क्या मानता है? अब तो कुछ भी मांगा जा सकता है ना, मगर इस सल के जवाब में जो सहाबी ने मांगा वो क्या माना? इन्हें कहा अल्लाह के रसूल मुझे दुनिया मिल जाए, जब मुझे आखिरत मिल जाए, आखिरत भी नहीं मांगी, दुनिया को छोड़ो। सहाबी का इश्क देखो कि जवाब सन ने आखिरत भी नहीं मांगी, आखिरत भी नहीं मांगी। इसका मतलब यह है कि हजरत रबिया की नजर में आखिरत की भी है ना अहमियत नहीं थी। अब जब आज हुजूर मुख्तारे कायनात हमसे कह रहे हैं कि मानो, तो आज तो मौका अच्छा है, क्या मांगा? असफलों का मुनाफा का फिर जगना। आखिरत तो छोड़िए, सिर्फ जन्नत की नहीं मांगी, ये अल्लाह के रसूल मुझे जन्नत मिल जाए, नहीं, जन्नत में आपकी रफाकत मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, मैं आपकी रफाकत में जन्नत में रहना चाहता हूँ, तनहा जन्नत में नहीं। अच्छा, बुजुर्ग के अख्तियार का आलम देखो, क्या ठीक है ये मैंने तुम्हें दी अबा भाई रजा ली, क्या इसके सिवा और भी? ये कौन कह सकता है जो बाख्तियार हो? अबा भाई रजा ली, ए रबिया मैंने तुम्हें दे दिया, इसके सिवा और क्या? और हजरत रबिया फरमाते जो हुजूर आप जन्नत में आपकी रफाकत मुझे मिल गई तो इसके सिवा बाकी बचा क्या? मगर शारहीन हदीस फरमाते हैं इस हदीस की शय में कि अगर सन के जवाब में हजरत रबिया पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत मानते तो मुस्तफा उसे भी अदा कर देते। हजरत सुरा का बताइए, सोना हराम है मगर हजरत सुरा का को इजाजत दे दी। अब अगर कोई सुराका की नकल करे नहीं चलेगी, वो खुसूसियत है। रसूल ने जिसको जो दे दिया, जिसके लिए हलाल कर दिया, बस ये हिल्लत उसकी जात, और जिसके लिए जो हराम कर दिया वो हुरमत भी उसकी जात है। एक शख्स आया, कहा मैं पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता। कितनी? पांच वक्त की। कहा कितनी? कहा दो वक्त की थी या तीन वक्त की। कहा जा, तेरे लिए यही है, फर्ज पांच है ना। रसूल ऐसे साहेब इख्तियार कि दो या तीन की इजाजत दे दी, मगर उसकी नकल हम नहीं कर सकते, वो उनके लिए खास, वो उनके लिए खास। इस्लाम में कितनी शादियां हैं जायज बोलो? चार।
فَنْكَهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسَلَاسَ وَرُبَا دو تین چار ہے نا چار نکاح کر سکتے ہو مگر اس کی صورت کیا ہے نا اگر آپ عدل کر سکیں عدل کر سکے اگر انصاف کر سکے تو چار اور نہیں تو ایک ہے نا یہ تو قرآن ہے قرآن مگر سرکار کیا فرماتے ہیں اے علی میری بیٹی فاطمہ جب تک تمہارے نکاح میں ہے تمہارے لیے دوسرا نکاح حرام ہے قرآن کی نص سے صریح موجود ہے یہاں سے ہمیں پتا چلا نبی صرف قانون جانتا ہی نہیں ہے قانون بناتا بھی ہے یہ حضور کا اختیار ہے حضور کا اختیار ہے حضور ایسے مختار کائنات ہے سورج پر ان کا اختیار چاند پر ان کا اختیار ستاروں پر ان کا اختیار جنت پر ان کا اختیار قیامت پر ان کا اختیار عالم برزخ پر ان کا اختیار عالم ناسوت پر ان کا اختیار عالم ملائکہ پر ان کا اختیار عالم انس پر ان کا اختیار عالم جن پر ان کا اختیار عالم نباتات پر ان کا اختیار مختصر یہ 18,000 عالم پر مصطفیٰ کا اختیار اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھو ایک چیز اور بتاؤں ہر عالم کو یہ پتا ہے اسی لیے ہر عالم پلٹ پلٹ کر حضور کی طرف دیکھتا ہے اب رہنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں بھئی عالم ہم بھی تو عالم ہی میں ہے ہماری بھی نظر ان پر ہے ہماری بھی نظر انہی کو ڈھونڈتی ہے ہماری نظر انہی کو ڈھونڈتی ہے کاش ایک بار دیدار ہو جائے ایک بار حضور کی زیارت ہو جائے نظر ڈھونڈتی ہے تلاش کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کہ حضور کی زیارت ہمیں مل جائے وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اس دنیا میں حضور کی زیارت کر لیتے ہیں ہے نا لیکن جو نہیں کر سکے اور وہ کرنا چاہتے ہیں رسول کی زیارت میں ان کو ایک بہترین نسخہ دینے بیٹھا ہوں جس نے دنیا میں رسول کی زیارت نہیں کی اور کرنا چاہتا ہے تو حضرت امام سہل ایک بڑے صوفی عارف کا قول میرے سامنے ہے میں تفسیر روحی بیان دیکھ رہا تھا اس میں یہ بزرگ کا صوفی کا قول ملا وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس دنیا میں حضور کی زیارت نہیں کی اور وہ کرنا چاہتا تھا اور وہ کرنا چاہتا تھا کہ میں رسول کی زیارت کروں کیا بتاتے ہو تو فلینظر الی القرآن تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو دیکھے قرآن کو دیکھ لیا تو قرآن کو دیکھنا ہی مدینے والے کی زیارت والے کی زیارت مدینے والے کی زیارت ہے رسول کی مقدس انگلیوں کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو رسول کی آنکھوں کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو رسول کی سماعت دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھو رسول کی زلف پاک دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو رسول کے کان دیکھنے ہیں تو قرآن دیکھو اسی لیے تو اب میں اس کان اور اس کان کی سماعت کی بات کیا کروں وہ تو محدث بریلوی خود فرماتے ہیں دور اور نزدیک کے سننے والے وہ قرآن کانے لانے تو حضور کا سانپ تو حضور کا سانپ دیکھنا ہے تو قرآن کا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو اور قرآن دیکھو اور قرآن دیکھو اور قرآن کو دیکھنا ہے رسول کو دیکھو رسول کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو کیوں اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے کیا الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی صورت جسمانیہ کا نقشہ ہے
सूबसा है, सूबसा है। पूरा कुरान अलहम्दुलिल्लाह अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक मोहम्मद अरबी की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। तो जिसने कुरान देख लिया रसूल की जियारत हो गई। इसीलिए मैं की जियारत इसीलिए मैं कहता हूँ नबी का इल्म देखना है कुरान देखो, रसूल का इख्तियार देखना है कुरान देखो, नबी का इख्तियार देखना है कुरान देखो, नबी की शान देखनी है कुरान देखो, नबी का मकाम देखना है कुरान देखो, नबी का मर्तबा देखना है कुरान देखो, नबी की अजमतें जाननी है कुरान देखो। इसलिए कि कुरान हुजूर की तारीफ ही में नाजिल हुआ, हुजूर की तारीफ में नाजिल हुआ। भाई साहब बताएं हुजूर की तारीफ तो हुजूर हुए मुअर्रफ, हुजूर हुए और पूरा कुरान तारीफ तो मुअर्रफ काम, मुस्तफा मुअर्रफ और मुअर्रफ कहते हैं जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। और यहाँ थोड़ा सा मैं दरसगाह की दुनिया की तरफ चलूं, ये मुअर्रफ क्या है बाबे तकरीर से है ना, इसका मसदर तारीफ अर्रफा युअर्रफु तारीफन फहुवा मुअर्रफुन वउर्रफा युअर्रफु तारीफन फहुवा मुअर्रफुन अलअम्रु मिन्हु अर्रफ वन्नहि अन्हु ला तुअर्रफ। सबीर हो गई ना है ना, सबीर का ये आलम है तो कबीर का आलम क्या हो है ना। अर्रफा उसने तारीफ की और मुअर्रफ इसमें पाए तारीफ करने वाला और जिसकी तारीफ की जाए वो मुअर्रफ। और बाबे तकरीर की खासियत क्या है, बयान कसरत, बयान कसरत है ना। तो जिसकी तारीफ कसरत से हो वो मोहम्मद है, जिसकी तारीफ कसरत से हो। अब बताओ मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा कसरत से तारीफ किसने की, उस मुअर्रफ ने, और वो मुअर्रफ अल्लाह है, अल्लाह खुद साहिब कुरान है, मद्दा है हुजूर। कौन कर सकता है। अच्छा एक बात बताएं दोस्तों, यहाँ एक इल्मी गोशा आपके सामने रख दूं कि तारीफ हम कैसे करें, ये करते वो करते जुमलों के जरिए है ना, लफ्जों के जरिए। मैं उधर आना आऊंगा, जिधर आप टकटकी बांध कर मुझे देख रहे हैं मैं उधर आऊंगा, पहले तमीज तैयार हो जाए। अब आप देखिए हर शकील आरकी साहब खड़े हुए तारीफ कर रहे हैं, तारीफ की। अब इनके पास जितना माल मसाला था जो अल्फाज थे जुमले थे वो उसी को तो पकड़ के चले है ना। मैं आपको बताता हूँ मौलाना आसिफ तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे नजर फहकती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, जब आपके चेहरे अनवर पर नजर ही नहीं फैलती तो आपके हुस्न को बयान कौन करे है ना। मुसव्वी भी आ रहा हूं, तारीफ कैसे लफ्जों का सहारा, जुमलों का सहारा। अरे भाई ऐसा है कि जुमलों की अपनी लिमिटेशन है, हद है, हम कितनी मेहनत करें जितना स्टाफ होगा उन्हीं का तो इस्तेमाल करेंगे, मगर मैं दो मिसरे इस्तेमाल करेंगे, मगर मैं दो मिसरे सुनाता हूँ। रुख अनवर तो क्या नक्शे कदम भी तक पहुंच जाए, लेकिन जुमलों की न हिम्मत मेरे हरकों की। अब तारीफ कैसे करें, जहां जिगरे रसालत पर कभी करता हूँ आमादा, अना काफूर हो जाती है फौरन सारे लफ्जों की। सारे लफ्जों की या लफ्जों की गैस भी निकल जाती है ना। हर खतीबान आता है लफ्जों का सहारा लेकर, किताबत का जादू जगाता है, मगर बात नहीं तो नहीं तो सिलसिले नहीं खत्म होता। इसलिए कि लफ्ज मोहम्मद है क्या, इसी की तारीफ कर लो, अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदी,
الذي يحمد حمدا بعد حمد, जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, है ना, वही मोहम्मद। बल्कि एक बात इसका तर्जुमा मैं कर दूं, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी खत्म ना हो, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी खत्म ना हो, जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी टूटे ना, वो मोहम्मद, वो मोहम्मद। अब सोचो हजारों साल बल्कि उससे पहले से हजरत आदम भी तारीफ कर रहे हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, है ना, कोई बशारत दे रहा है, कोई खुशखबरी सुना रहा है कि घबराओ नहीं, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, उसका नाम अहमद है। तारीफ का सिलसिला ये टूट नहीं रहा, और टूटे कैसे, कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा, वलाकियतु खैरुल्लका मिनल्ला, वलाकियतु खैरुल्लका मिनल्ला, ऐ महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी तुम्हारी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो रसूल की जितनी तारीफ करोगे, तारीफ का सिलसिला घटने वाला नहीं है, तारीफ का सिलसिला घटने वाला नहीं है। इसलिए मुस्तफा की तारीफ की बुनियाद किसी बंदे ने नहीं रखी है, अल्लाह ने रखी है। मैं तो मालिक ही कहूंगा, जो हो मालिक के हबीब यानी महबूब हो मोहिब नहीं मेरा। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने महबूब अशरफ, हुजूर हबीब आजम। देखें महबूब हो मोहिब में तेरा मेरा नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, ये हमारे तुम्हारे दरमियान ये बात अच्छी लगेगी कि ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, वो महबूब में तेरा मेरा नहीं, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा, सब मेरा मुस्तफा, सब तेरा, सब तेरा, सब मेरा, तो तेरा मेरा महबूब महबूब में नहीं, तेरा मेरा मत करो, तेरा मेरा नहीं। मेरे हबीब, मैंने जो कुछ बनाया है, पैदा किया है, वो तुम्हारे लिए तो पैदा किया है, तुम्हारे लिए, तेरे लिए बनाया है, बनाया तुम्हारे लिए, तेरे लिए बनाया, जन्नत बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, हौज़े कौसर तुम्हारे लिए, पुल सिरात तुम्हारे लिए, कयामत भी कायम करूंगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मुझे कयामत की जरूरत नहीं है, मैं तो रब हूँ, आगे मुल्क शहादा हूँ, मुझे मालूम है कितने गुनहगार हैं, कितने परहेजगार हैं, कितने जहन्नमी हैं, कितने जन्नती हैं, मैं आगे मुल्क शहादा हूँ, कयामत कायम करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो जितने जन्नती है जन्नत में भेज दूंगा, जितने जहन्नमी है जहन्नम में भेज दूंगा, महबूब ऐसा तो हो जाएगा, मगर ये कैसे होगा कि तुम्हारे हाथ में लवाए हम कौन देखेगा, तुम्हें गुनहगारों को सहारा देते हुए कौन देखेगा, तुम्हें मीजान पर बचाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें कौशल का जाम पिलाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाता हुआ कौन देखेगा, तुम्हारे सर पर शफाअत की पगड़ी कौन देखेगा। इसीलिए तो वालिदे गिरामी हुजूर मुफक्किर मिल्लत ने जो मिसरे में इस मसले को हल कर दिया, ये हश्र नशर की तकरीर क्या है इसके सिवा कि लोग देखे कमाल मोहम्मदी क्या। रसूल मुअज्जम और कुरान तारीफ, क्या बात। आज ये तीनों बातें इस मौजू में खुदा तारीफ कर रहा, अब बताओ जिसकी तारीफ अल्लाह करे उसकी तारीफ हम कैसे करें। अच्छा एक मुश्किल और भी है ना, हमारे उलमाए कराम जी बागो, हमारे उलमाए कराम जी बागो।
तारीफ के लिए मार्फत चाहिए, मार्फत चाहिए। आपको नाजी में दरखा खड़ा हुआ और ऐलान करना शुरू किया। कभी कभी ऐसा एहसास होने लगता है, एहसास होने लगता है कि जिसका तारुफ कराया जा रहा है वो जमीन की मखलूक है ही नहीं, वो आसमान से आई है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैंने जलसे के बाद नाजिम से पूछा, इसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे, आप इसको जानते हैं? भाई जानता हूं, मुझे फिर ये एक साहब ने बल्कि मुझे सुना कि हजरा अगर मैदान मशर में जलसों कॉन्फ्रेंसों के जो नाजमीन है अल्लाह ने इनको बख्श दिया, अल्लाह ने इन्हें तो उम्मत के जितने गुनहगार हैं ये हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। बताइए साहब, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। चूहा पहाड़ निकला, चूहा पहाड़ निकला, चूहा कोई नहीं आ रहा। तो मार्फत चाहिए। मैं पूछता हूं कितने बड़े मजमे में ये लोगों, मेरा एक सवाल है तुम किसके उम्मती हो? बोलो। मैं उलमा से नहीं आवाम से पूछना चाहता हूं, हुजूर के हुजूर के ना कि आवाम से पूछना चाहता हूँ। तो जिस हुजूर के उम्मती हो उस हुजूर को आपने पहचाना? तारीफ तो कर रहा है तो पहचान कर तारीफ कर रहे हो या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए? किसी ने पहचाना? जो उलमा भी बैठे हुए हैं, अगर जहमत ना हो तो हाथ उठा दे कि हाँ हमने पहचाना। अब एक इस राह के एक मुसाफिर की बात मैं सुनाऊंगा आपको, हजरत सीदना बायजीद बुस्तामी, इसी राह के मुसाफिर, उन्होंने 1000 नूर के पर्दे हाय रखे और हजरत बायजीद बुस्तामी ये भी फरमाते हैं कि अगर मैं एक नूर के पर्दे के भी करीब जाता तो जलकर राख हो जाता। और कितने पर्दे? 1000। सोचिए बायजीद बुस्तामी सुल्तानुल आरिफीन, वो एक पर्दे नूर तक पहुंचना चाहा, नहीं पहुंच सके। क्या समझे? अल्लाह ने अपने महबूब की हकीकत को जो बनाया है वो तो बंदों के देखने के लिए नहीं, अपने मुलाहिजे के लिए है ना। जब मेरी मर्जी होगी, मेरी मशीयत होगी, मेरी मशीयत होगी, मैं चाहूंगा तो मैं अपने कारखाने रुबूबियत के शाहकार को, जिसको मैंने पैकर हुस्न में तराशा है, जिसके हुस्न जमाल को मैंने निखारा है, सवारा है, बनाया है, जो मेरी कारीगरी है, मैं जब चाहूंगा, मेरी मर्जी होगी, उस हुस्न को मैं देखूंगा, बंदों के देखने के लिए नहीं अपने मुलाहिजे के लिए, महबूब के हुस्न व जमाल को खुदा ने अपने देखने के लिए बनाया, हमारे देखने के लिए नहीं। इसीलिए जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर की नूरानियत पर हकीकत अल्लाह ने बशरियत का लिबास उतारा,
बशरियत का तार। अब मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करूं, ये तार है कि नहीं जिसको मैंने पकड़ा? क्या है ये तार है ना जी? नहीं, अगर तार होता तो मैं इस तरह अंदर आए जिसमें करंट है। ये साइंस का कमाल है कि इससे हम फायदा हासिल करें, तो फायदा हासिल करने के लिए ये साइंस का कमाल है कि उस तार पर जिसमें करंट है उस पर बशरियत का कवर चढ़ाया, उस पर बशरियत और उस पर ये कवर चढ़ाया, रबर का प्लास्टिक का कवर चढ़ाया ताकि हम इसको छू सके, इसके करीब आ सके, इससे फायदा हासिल कर सके, इसका फैज हासिल कर सके, इसके पूर्व में रह सके, इसे पकड़ सके, अपनी गिरफ्त में रख सके, इसे हम देख सके, जब चाहे जितना चाहे छू सके। तो प्लास्टिक का कवर चढ़ाया, तार अंदर आए जिसमें करंट है। बात समझ में आया? अगर ये कवर ना होता तो न कोई नाथा नाट पढ़ सकता था, न खतीब खिताब कर सकता था, न कारी तिलावत कर सकता था, न कोई इसके करीब आ सकता था। तो ये साइंस का कमाल है, ये इंसान का कमाल है, ये असल तार जिसमें करंट है उस पर ये प्लास्टिक का कवर चढ़ाया ताकि लोग फायदा हासिल करें, फैज हासिल करें, इस्तेफादा कर सके। बिला तशबीह बिला तमसील अल्लाह ने जब अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा तो महबूब की हकीकत पर बशरियत का कवर चढ़ाया, बशरियत का कवर चढ़ाया। मेरे महबूब, अगर तुम अपनी असल हकीकत पे जाओगे तो बंदे तुम्हारे करीब कैसे आएंगे? जो करीब आएंगे वो जल जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। जब वो जल जाएंगे तो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे? तुमसे फायदा कैसे हासिल करेंगे? तुमसे फैज कैसे उठाएंगे? तुमसे इस्तेफादा कैसे करेंगे? तो मुस्तफा, अब मैं तुम्हारी नूरानियत पर बशरियत का कवर चढ़ाता हूँ ताकि लोग तुम्हारे करीब आए, तुम तबलीग करो, वो कबूल करे, इस्लाम फैले, फले, फूले, इस्लाम का दायरा वसी हो। मालूम हुआ कि बशरियत को देखकर धोखा न खाना, बशरियत को देखकर धोखा न खाना। कोई कहता है हुजूर नूर है, कोई कहता है हुजूर बशर है, मक्की राशिद कहता है हुजूर नूर भी है, हुजूर बशर भी है, सरकार का नूर होना भी हक है, सरकार का बशर होना भी हक है, हुजूर नूर है। जुमले पर गौर कीजिएगा, हुजूर नूर है ये भी हक है, हुजूर बशर है ये भी हक है। हक दोनों, हकीकत कोई नहीं, हक दोनों, हकीकत कोई नहीं। हकीकत क्या है? आओ हुजूर ही से पूछ लिया जाए। या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन खैरो रब्बी। अरे अबू बकर, मेरी हकीकत क्या है? मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरी मार्फत सिर्फ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे जिंदा, फैजाने मखदूमे जिंदा। शायरी में भी एहतमाम होता है ना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, पहचाना नहीं, जानते हैं मानते, पहचाना नहीं। ये गलती कोई कर नहीं सकता, उन्हें जाना। अरे फजल वाले नहीं पहचान सके तो फजूल वाले क्या पहचानेंगे? फजल वाले न समझ सके तो फजूल वाले क्या? सोचो, हजरत अबू बकर फजल वो न समझ सके, वो न पहचान सके जो खलबत में साथ, जलबत में साथ, गार में साथ, बाग में मजार में साथ। यारे गार भी, यारे मजार भी, वो नहीं समझ सके। अच्छा एक बात बताऊं दोस्तों, समझने की कोशिश भी नहीं की। हुजूर को समझने की कोशिश भी नहीं की। भाई जानो मानो, ले जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, बस इतना काफी है। लहिल हम मैं दुनिया से मुसलमान है ना। अब देखो, अब वही तारीख जो कुरान ये तारीख है, वो क्या करता है? ईमान वाला अल्लाह से डरो, जैसा कि डरने का हक है। بلا تموتن الا وانتم مسلمون
क्या जमानत है, तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मानना है। बात करो जैसा कि तुमने कहा, हजरात मेरी बात आप सुन रहे हैं। आज मुख्तार वालम कॉन्फ्रेंस में मैं आपको एक मैसेज देने के लिए आया हूं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की आस्थाने और उनकी बारगाह से मक्की राशि एक मैसेज लेकर के आपके लिए आया। अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुमको मरना है तो मुसलमान होकर मरना, मुसलमान होकर मरना है ना, बोलो मुसलमान होकर मरना है, तो उससे पहले कुछ करना है। मुसलमान होकर मरना है तो उससे पहले कुछ करना है। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, गिबत नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है, चोरी नहीं, चमारी नहीं, चिकारी नहीं, डकैती नहीं, शराब नहीं, जुआ नहीं, नाजायज काम नहीं, हराम काम नहीं, ये करना है। मरना है मुसलमान बनकर तो उसे पहले ये करना, आज के बाद से ये तय कर लो गोल तो करके तुम भी मुसलमान हो। न जहेज लेना है, न जहेज देना, जहेज देना। न जहेज लेना है, न जहेज देना। अगर तैयार हो, तैयार हो, मुख्तार स्वानम के नाम पर आज हलक उठाओ, पूरे बाल पोखर के सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें मदीने वाले रसूल का वास्ता, अपने गरीब भाइयों बहनों का ख्याल करो, गरीब बेटियों का ख्याल करो, और इस लानत और इस नहुसत से अपने को बचाओ, मिल्लत को बचाओ, कौम को बचाओ, माशरे को बचाओ, समाज को बचाओ, सोसाइटी को बचाओ, और जन्नत में सीधा जाओ। जहेज लेना है, जहेज देना है। मैं अपने नौजवान बच्चों से भी अपील करता हूँ, जिन बच्चों से भी अपील करता हूँ जिन कभी शादी नहीं हुई है, नौजवानों मत मांगना मोटरसाइकिल, तो मुसलमान हो, भिखारी नहीं हो। से अगर कहीं रिश्ता हो गया, शादी करते हो, कार मांगते हो तो दो चक्का का दौर जा रहा, चार चक्का, चार चक्का, कहीं पांच चक्का आ गया तो पांच चक्का, ये चक्की चक्का क्या है, चक्का जाम करो। तुम नबी के उम्मती हो, मुस्तफा के गुलाम हो, इमाम हसन हुसैन के दीवाने हो, है ना। अगर लड़की वाले भी लड़के वाले को ऑफर दे, मैं ये दूंगा, तुम मना कर देना, मुझे अगर ये दोगे मैं रिश्ता नहीं करूंगा। मुख्तार वालम कॉन्फ्रेंस से आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम न जहेज लेंगे, न जहेज देंगे। मखदूम अशरफ का वास्ता है तुम्हें, अशरफ का वास्ता है तुम्हें। गौसे आजम अब्दुल कादिर, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता है तुम्हें, है ना। अपना काम मैं करके जा रहा हूँ, कल मरोगे कब्र में नबी को मुंह दिखाओगे कि मेरी औलाद ने तुमसे कहा था न जहेज लेना है, न जहेज देना है, तो मेरे खानदान ने तो हुज्जत तमाम कर दी, तुमने माना क्यों नहीं, और माना नहीं तो मेरे पास किस लिए आए हो। सारे भीख मांगे।
गुलामे मुस्तफा हाथ फैलाए। दोस्तों मुस्तफा जाने रहमत उम्मती किसी के सामने हाथ नहीं पहना, तब उम्मती किसी के सामने हाथ नहीं फैला, उसकी मुट्ठी तो बंद रहती है ना। आप कैसे मुसलमान है कि भीख मांग रहे हैं मुझे चार चक्का चाहिए, है ना। अरे चार चक्का चाहिए तो चार चक्का हासिल करने के लिए मेहनत करो, मेहनत करो, और तुम्हारी मेहनत में मेरी दुआ भी शामिल। चार चक्का नहीं, दस चार चक्का तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मेहनत खुद करो, गाड़ी खुद लाओ, अपनी कमाई से किसी लड़की वाले से जहेज में मुतालबा न करो। इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, ये जायज नहीं है, ये हराम है। कस्ते सवाल तलाश करना जायज नहीं। रविश बदलो, तरीका बदलो, खुदा से डरो, नमाज पढ़ो अल्लाह से डरो, रोजा रखो अल्लाह से, जकात करो अल्लाह से डरो, हज करो अल्लाह से डरो, झूठ न बोलो अल्लाह से डरो, माँ बाप की तादीम करो अल्लाह से डरो, बच्चों की अच्छी परवरिश करो अल्लाह से डरो, इंतजाम वालदैन करो अल्लाह से डरो, अपने मदरसों को दीन सिखाओ अल्लाह से डरो, कुरान सिखाओ अल्लाह से डरो, दारुल उलूम के मुको मजबूत करो अल्लाह से डरो, ये मुख्तार आबाद करो। यहाँ से उलमा निकले, दीन का इल्म लेकर निकले, अल्लाह से डरो। मेरे दोस्तों, ये चंदा और ये लोगों से जो कलेक्शन होता है, हुआ जलसा हुआ खत्म हो गया, मगर दोस्तों जलसे का क्या मतलब, जलसा खत्म हो गया, दूसरे दिन चाय खानों में लोग बैठे, बड़ी अच्छी तकलीफ हुई, ये बोले वो बोले, नहीं साहब, जलसे बहुत होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसें बहुत होती हैं। मेरे दोस्तों, बस आज से ये तय कर लो कि मैं इस लानत और इस नहुसत को कभी गले नहीं लगाऊंगा, जहेज न दूंगा, मैं जहेज लूंगा। बोलो, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, नारे तकबीर, बोलो हाथ नहीं उठाकर, नारे तकबीर, नारे ईसान, मज़हबे इस्लाम, जहेज के खिलाफ तहरीक हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, जहेज के खिलाफ तहरीक हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, डीजे के खिलाफ तहरीक हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, नाच गाने के खिलाफ तहरीक हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, शादी में होने वाली बुराइयों के खिलाफ तहरीक हम चलाएंगे, हम चलाएंगे, नारे एक बार दोनों हाथों को उठाएं और पूरी ताकत के साथ मौला अली की औलाद के सामने नारे तकबीर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐलान करना चाहता हूँ मुख्तार आलम कॉन्फ्रेंस में, इस लानत को अपने घरों से, अपने मुआशरे से, अपने समाज से निकालकर फेंक दो, है ना, ताकि तुम जब मर कर अपनी कब्र में जाओ और तुम्हारा नबी तुम्हारा चेहरा देखे तो मुस्कुरा दे, मेरा ये गुलाम है जो चाहे दुनिया में छोड़ कर आया और मेरी शरीयत पर अमल करता और प्रेशर में कोई काम नहीं। हाँ, अगर कोई लड़की वाला अपनी खुशी से आपको कुछ दे रहा है अपनी मर्जी से, उसे कबूल करो। अगर कोई लड़की वाला अपनी खुशी से दे रहा है अपनी मर्जी से, तो उसे कबूल करो, है ना। अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत ना करो कि मुझे ये चाहिए, इतना सोना चाहिए, इतनी चांदी चाहिए, सिक्का चाहिए। अच्छा एक बात बताए, लड़के वाले भी समझते हैं इतना तोला सोना, इतने लाख रुपया देना एक नहीं। एक बात बताए, जो चीज आपको देना नहीं है तो महर रखते क्यों हो? ये गैर महर में 5 लाख 10 लाख 5 भरी सोना 10 भरी सोना। मैंने एक साहब से पूछा, क्या ये देते हैं? कहा देते नहीं। फिर क्या करते? माफ कराते। तो बात बीवी से माफ कराते
क्या बात है, तो ऐसा काम क्यों करते रहो कि माफी मांगने की जरूरत है। आज के बाद से मुख्तार द्वारम कॉन्फ्रेंस खत्म होगी कल, ये तय कर लेना कि हम न जहेज लेंगे न देंगे। अगर कोई खुशी से लड़की वाला आपको कुछ दे रहा है तो वो हदिया है, उसे जरूर कबूल कीजिए। लेकिन अगर किसी की औकात नहीं है, आप याद कीजिए कितने गरीब लड़की वाले ऐसे, उनके माँ बाप जमीन बेचते हैं, खेत बेचते हैं, मकान बीवी रखते हैं, ये आपको पसंद है? आप शादी करते हैं दूसरे को भिखारी बनाते हैं? आज के बाद से ये काम ना करना, बिल्कुल तय है ना? खुद मेहनत करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, अहले बैत का फैजान तुम्हारे साथ होगा, वर्सो खाजा मखदूम मशरफ की रूहानियत तुम्हारे साथ होगी, फैजान औलिया तुम्हारे साथ होगा, अरे तुम्हें रंग बना देगा, तुम दूसरों को दोगे। अब इसी के बाद हमारे नाफा आएंगे, अपनी बातें आपको